नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। इस आधुनिक दौर में हर इंसान अपने सर्वाइवल, अपने वजूद, अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लगातार भाग रहा है। पर जैसे जैसे हम आधुनिक हो रहे हैं, हम लगातार बीमारियों की चपेट में घिरते जा रहे हैं, लोगों की उम्र घट रही है। इन सब का कारण है हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान और पर्यावरण में हमारे ही द्वारा फैलाया गया प्रदूषण। पर हमें इस आधुनिकता और मशीनीकरण के दौर में ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले इस शरीर रूपी मशीन का फिट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जान है तभी ये जहान है। पर दुर्भाग्यवश तमाम बीमारियों की चपेट में हमारे देश में लाखों लोग इलाज ना मिलने की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज करा सकें या किसी भी प्रकार का हेल्थ कवर ले सकें। जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने योजना बनाई और देश के इन्हीं गरीब वंचित वर्ग के लिए सरकार की आयुष्मान भारत योजना मील का पत्थर साबित हो रही है, जिसने करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया। हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बात सामने आई कि किसी भी परिवार में स्वास्थ्य संबंधी खर्च बहुत ज़्यादा होता है, जिसको भुगतान करना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए सरकार अब मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास परिवार, जो भारत में सबसे ज़्यादा है, उनके लिए हेल्थ कवर तैयार करने जा रही है। ये व्यवस्था उन लोगों के लिए होगी जो अब तक किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के दायरे में नहीं आते। तो आज विशेष में हम समझेंगे मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सरकार की इस नई स्वास्थ्य योजना को, जानेंगे स्वस्थ भारत के लक्ष्यों को, साथ ही साथ जानेंगे आयुष्मान भारत के बढ़ते दायरे को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। नए भारत के लिए कैसी स्वास्थ्य प्रणाली हो, इस विषय पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स की मौजूदगी में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इस रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट में देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने, उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने और ज़्यादा अस्पताल और बिस्तरों की ज़रूरतों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस रिपोर्ट का मकसद मध्यम वर्ग के लिए एक नई स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करना भी है। स्वस्थ भारत की दिशा में बढ़ते हुए केंद्र सरकार हर किसी तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाना चाहती है। इस कड़ी में सरकार अब मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने का विचार कर रही है। नीति आयोग ने 18 नवंबर को इसकी रूपरेखा जारी करते हुए ये बात कही। दरअसल नीति आयोग ने न्यू इंडिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली बिल्डिंग ब्लॉक्स सुधार के संभावित तरीके पर रिपोर्ट जारी की है। बिना आर्थिक बोझ बढ़ाए कैसे आने वाले 15 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इससे जुड़े मुद्दों को महत्व दिया है। रिपोर्ट में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच अधिक से अधिक तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर है, ताकि आयुष्मान भारत समेत सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके। Our health system, like many other parts of the society, marked with a huge dualism. We have and we have nots, you know, and the dualism meaning that, you know, there is this 2% who go to the best hospitals, etc., but the rest, you know, 8 stops and uncaring. So how do we eliminate this dualism in our society, in our health system? And I think that's the key that we need to get at. नीति आयोग की रिपोर्ट में भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली के 5 मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। जन स्वास्थ्य का अपूर्ण एजेंडा पूरा करना, बड़ी बीमा कंपनियों में निवेश करके व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च को घटाना, सेवा वितरण को आपस में जोड़ना, स्वास्थ्य सेवा का बेहतर खरीदार बनाने के लिए नागरिकों का सशक्तिकरण करना और डिजिटल स्वास्थ्य की शक्ति का लाभ पाना इनमें शामिल है। This book focuses on 2 key components of the health system, financing as well as organization and provision of health service delivery. Specific recommendations regarding health financing in general and risk pooling in the health sector in particular, strategic purchasing, health service organization and provision and digital health are detailed in the book.
बिल एंड मेलिंडा गेट्स के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत में किए जा रहे सुधार आने वाले समय में अन्य देशों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। India is the country we've done by far the most work in, and I'm pleased to say that the improvements in the Indian health system over the last decade have been very, very significant. It was referred to that new vaccines have been introduced for diarrhea and pneumonia. The vaccine coverage, even in some of the states where the coverage level was quite low, has been improved quite substantially. Now, almost 90% covered. नीति आयोग की ये रिपोर्ट स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की ओर से शुरू किए गए राजनीतिक विकल्पों का ब्यौरा पेश करती है। मध्यम वर्ग के लिए जिस स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार करने पर विचार किया जा रहा है, वो व्यवस्था उन लोगों के लिए होगी जो अब तक किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के दायरे में नहीं आते। इस नई स्वास्थ्य प्रणाली में उनको शामिल नहीं किया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना के दायरे में हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का मकसद मध्यम से दीर्घ अवधि के लिए मध्यम वर्ग से जुड़े लोगों के लिए स्वास्थ्य प्रणाली का खाका तैयार करना है। इसमें मध्यम वर्ग पर गौर किया गया है क्योंकि गरीबों के लिए पहले ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की जा चुकी है। वही जो आर्थिक स्थिति से सबल हैं, वो चिकित्सा खर्च उठाने में सक्षम हैं। देश की करीब 50% आबादी अभी भी किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी नहीं है। नीति आयोग का कहना है कि ऐसे लोगों से मामूली राशि लेकर एक व्यवस्था बनाने का विचार है जो मध्यम वर्ग की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा कर सके। नीति आयोग का ये मानना है कि मध्यम वर्ग में आने वाले लोगों को अगर देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था के निर्माण के लिए 200 या 300 रुपए देने पड़ते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। जो हमारा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है वह फ्रेगमेंटेड है। आयुष्मान भारत से कुछ लोग कवर हो रहे हैं, स्टेट के अलग कार्यक्रमों में कवर हो रहे थे, फॉर्चुनेटली वो जुड़ गए हैं। ESI में कुछ 14 करोड़ लोग जो हैं वो उसमें कवर हो रहे हैं। CGHS स्कीम में कुछ हो रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं, कोई रेलवे में कवर हो रहा है। तो ये फ्रेगमेंटेड है और कुल मिला के भी ये इतना है कि अभी भी बहुत सारे लोग इससे बाहर हैं। तो सोचा जाना है पॉलिसी की डिबेट में, पॉलिसी की थिंकिंग में, कि जो बाकी लोगों को भी हमने अगर हेल्थ प्रोटेक्शन में, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन में लाना है तो उसके ऊपर क्या किया जाए, तो इस फ्रेगमेंटेशन को कैसे कम किया जाए और जो लोग नहीं हैं आज उनको धीरे धीरे कैसे हम उनको पूरा करें। नीति आयोग का कहना है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवा की डिलीवरी व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर व्यापक बदलाव की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट हेल्थ सिस्टम फॉर अ न्यू इंडिया बिल्डिंग ब्लॉक्स पोटेंशियल पाथवेज टू रिफॉर्म में भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौजूद चुनौती, अवसर और सुधार के विकल्पों के बारे में चर्चा की है। नए हेल्थ केयर सिस्टम को लाने का मकसद मध्यम वर्ग के लोगों को चिकित्सा सेवाएं देने के साथ उनके एसेट रिस्क को कम करना है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वालों को स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करने की बात कही है ताकि इसकी पहुंच को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। भारत के लिए 21वीं सदी का हेल्थ सिस्टम तैयार करने संबंधी अपनी रिपोर्ट में नीति आयोग ने हेल्थ सेक्टर में बदलाव के लिए सेवाओं की रणनीतिक खरीदारी और हेल्थ रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में आयोग ने मिडिल क्लास के लिए हेल्थ केयर सिस्टम बनाने की वकालत की है। जो 40% और ऊपर के 5% छोड़ के बाकी लोगों के पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी वो इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनका जो कॉस्ट है, तो जो सेम लेवल ऑफ प्रीमियम आयुष्मान भारत का जो कॉस्ट है और सेम लेवल ऑफ कवरेज के लिए जो बाहर का कॉस्ट है, उसमें काफ़ी मल्टीपल्स का अंतर आता है। तो क्या ये उचित नहीं होगा कि हर भारतीय के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको कि वो, जिस पे गवर्नमेंट गारंटी ले कि हाँ भाई ये सर्विसेज हम सब भारतीयों को उपलब्ध कराएंगे।
नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता और स्तर को बढ़ाने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली का होना बेहद जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा प्रणाली का होना कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का बेहतर होने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ ही कई अन्य पहलुओं को भी रिपोर्ट में स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें जरूरत के समय वित्तीय बाधाओं को कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक लाभार्थियों की पहुंच बनाने, बीमारी से जुड़े वित्तीय झटकों से रोगियों की रक्षा करने, खासकर घरेलू वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसके साथ ही इलाज में होने वाले खर्च के चलते दोबारा गरीबी में जाने के घरेलू जोखिम को कम करने के साथ ही अन्य प्रमुख घरेलू उपभोग वाले क्षेत्रों की रक्षा करने पर जोर दिया गया है, जो मानव पूंजी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की अधिक स्थिर और अनुमानित राशि की सुविधा को कुशल क्षमता वृद्धि और स्वास्थ्य सेवा के विकास और एकीकरण के लिए जरूरी बताया गया है। अभी हमारे जो प्रोवाइडर्स हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं, 5 बेड, 10 बेड, 3 बेड, 2 बेड, 2.5 बेड, इस तरह के लोग हैं। अगर हमें इसके अच्छा पहले अभी क्या था कि हम केवल वो टॉप 10% जो लोग एक्सेस करते थे, बाकी 90% या तो सरकारी अस्पतालों में आते थे या एक्सक्लूडेड थे। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा, उनके एस्पिरेशंस भी बढ़ रहे हैं, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, उनके लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमने जैसे कहा कि भाई इन छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड यूनिट्स को एक कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरी बात। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इन सब को पावर करने के लिए कोई डिजिटल सिस्टम होगा, उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणाली को मिलने वाला वित्त पोषण ये दर्शाता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा के प्रदर्शन में जोखिम उठाने की क्षमता यानी रिस्क पूलिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि निम्न स्तर और छोटे छोटे स्तर पर तो जोखिम उठाया जा सकता है, लेकिन बड़े स्तर पर इसका फायदा उठाने से लोग वंचित रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो खंडित जोखिम वाले पूल में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं होता है और हेल्थ सेक्टर में बदलाव के लिए सेवाओं की रणनीतिक खरीदारी की जरूरत है, ताकि बेवजह के खर्च में कटौती आए और बड़े रिस्क वाले केस के लिए ज्यादा धन उपलब्ध हो। बहुत बड़ी चुनौती, जैसे मैंने कहा कि क्या हम कॉन्ट्रीब्यूट लेके एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सिस्टम बना सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का एक एग्जांपल दे दिया। लेकिन दूसरी चुनौती है हमारे पास, हम कंट्रीब्यूशन भी ले लें, हमारे पास सप्लाई साइड में भी रिसोर्सेज होने चाहिए। अब देखिए हमारे देश में जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्राइवेट सेक्टर फ्रेगमेंटेड है और छोटी छोटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको हम कैसे बांध के सर्विसेज के साथ जोड़ें और उन सबको भी जोड़ लें, फिर भी कुल मिला के पब्लिक सेक्टर के साथ सरकारी सिस्टम के साथ मिला के भी हमारे पास 1 बेड है 1,000 पॉपुलेशन के लिए, कम से कम 2 होने चाहिए। रिपोर्ट में इस बात की भी चर्चा की गई है कि भारत में स्वास्थ्य प्रणाली के खंडित और अलग अलग होने के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जोखिम उठाने की क्षमता काफी निम्न स्तर पर है और इसके कई कारण हैं। इनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी अंशदायी होने के साथ ही गैर अंशदायी योजनाओं का होना, इसके साथ ही लाभ के अलग अलग पैकेज का होना और अलग और ठोस नियामक प्रणाली का नहीं होना, लाभार्थियों की स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान देने वाली योजनाओं में अंतर होना शामिल है। इस विखंडित और जोखिम उठाने की क्षमता में कमी की वजह से भारत में चिकित्सा पर होने वाला कुल खर्च का 64% आउट ऑफ पॉकेट फंडिंग होता है और इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। भारत में स्वास्थ्य पर खर्च केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर कुल GDP का करीब 1.13% है। रिस्क पूलिंग का मतलब ये है कि हम थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन डालते हैं कि हम अपना रिस्क सब इकट्ठा कर रहे हैं, उससे ये संभव हो पाएगा कि हम अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा कवरेज हम संभव कर पाए। हमने तो इसकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए की गई है और हेल्थ
को टैकल करने के लिए इस तरह से कहा जा रहा है कि कंट्रीब्यूशन करें ताकि जब हमारे ऊपर मुसीबत आए तो उस किटी में से हम उसके इस्तेमाल करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत समेत किसी भी देश को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में शून्य आउट ऑफ पॉकेट और पूर्ण रूप से रिस्क पूलिंग नहीं बनाना चाहिए। इससे समाज और परिवारों की अक्षमता बढ़ती है। भारत में आउट ऑफ पॉकेट फंडिंग होने की मुख्य वजह रिस्क पूलिंग तंत्र का नहीं होना है। इसे अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में हुई। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत इसका मकसद देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा का फायदा देना है। इसके तहत केंद्र सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति के तहत 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर GDP का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान भारत योजना का असर अब देश में दिखने लगा है। आइए जानते हैं आयुष्मान भारत योजना के बढ़ते दायरे को। सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बीमा कवरेज मिले, इस मकसद से शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत को एक साल पूरे हो गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक योजना के पहले साल में करीब 47 लाख लोगों का अस्पताल में इलाज हुआ, जिस पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। योजना के तहत हर मिनट 9 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत हर एक मिनट में 9 लोगों का इलाज होता है। वर्तमान में ये योजना 32 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू है। योजना के तहत एक साल में पात्र लाभार्थियों को 10.3 करोड़ ई कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश में फिलहाल 18,000 से ज्यादा अस्पताल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत 21,000 से भी अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू हो गए हैं। पूरे देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिसंबर 2022 तक चालू हो जाएंगे। आयुष्मान भारत में देखिए, अभी कुछ दिनों तक, कल परसों 14 तारीख तक हम ये बता सकते हैं कि 60 लाख लोग की एडमिशन हो चुकी है। कुछ लोग दो बारी भी आए होंगे, तीन बारी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एक एक बारी मान लीजिए तो 60 लाख फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स को एक इलाज संभव हुआ है इस योजना के अंतर्गत। तो आप ये सोचिए कि इन्हीं 60 लाख लोगों की फैमिली के ऊपर जो एक पैसे का प्रेशर आना था, एवरेज में 12,000 का आना था मान लीजिए, और कईयों में लाख का आना था, कईयों में हज़ारों को आना है, उसको इस सब को प्रोटेक्ट किया है। और हमारा अंदाज़ा है कि इसके दौरान लगभग 16,000 करोड़ रुपया जो है वो जनता का जो है वो बच पाया है। वो खर्चा जनता के ऊपर ना पड़ के प्रोग्राम ने अपनी जगह कवर कर लिया है। धीरे धीरे सरकार इसके दायरे को बढ़ा रही है। आयुष्मान भारत की शुरुआत भारत के 40% गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए की गई। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवार के लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों को 8 करोड़ 3 लाख और शहरी इलाकों के 2 करोड़ 33 लाख परिवार शामिल हैं। आयुष्मान भारत की गाइडलाइंस के मुताबिक ये पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस है। इसके तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों ही अस्पतालों में इलाज करवाया जा सकता है। योजना के मुताबिक परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, सभी को फायदा मिलेगा। साथ ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। योजना के तहत गरीब और ग्रामीण परिवारों को सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 के हिसाब से चुना गया है। इसके तहत ग्रामीण इलाके की आबादी में D1, D2, D3, D4, D5 और D7 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया है। इसी तरह शहरी इलाके में 11 पूर्व निर्धारित पेशे के लोग इस योजना में शामिल हैं। इसके तहत बच्चियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर दिया गया है। इस योजना के तहत कोई भी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता।
इसके साथ ही अस्पताल मरीज से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता। इस योजना के तहत आने वाले सभी व्यक्ति भारत के किसी भी जगह पर इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर 14555 भी जारी किया गया है। इस पर कॉल कर पता लगाया जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वो व्यक्ति पात्र है या नहीं। हम सब जानते हैं कि यह दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी स्कीम है। इसका आयाम इतना बड़ा है कि वो यूरोप के सारी पॉपुलेशन को लगभग जोड़ लेते हैं, तो उतनी जनता को कवर करता है। कनाडा को, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को कवर करके जितनी पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। बहुत बड़ी रीच है और एक साल सवा साल का, एक साल और दो महीने का जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ये करके दिखा दिया है। सब ने मिल के, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, कि इस तरह से के इतने बड़े कार्यक्रम को हम गवर्न करके, लागू करके जनता तक पहुंचा सकते हैं। कोई मेजर ग्लिच नहीं हुआ है। कमियां हो सकती हैं, वो भी धीरे धीरे ठीक करी जा सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा सेटबैक हुआ है ऐसा नहीं हुआ है। योजना के तहत अब हर तरह के कैंसर के मरीजों का भी इलाज हो पाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चल रहे उपचार पैकेज की कीमतों में भी 10 से 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी तक कुछ ही प्रकार के कैंसर का उपचार संभव था, लेकिन पिछले एक वर्ष से चल रहे मंथन के बाद सरकार ने स्तन, गर्भाशय, प्रोस्टेट, आंत, पेट इत्यादि के कैंसर को भी इस पैकेज में शामिल कर लिया है। देश के सभी राज्यों में आयुष्मान योजना का असर दिखने लगा है। योजना का लाभ उठाने में तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य काफी आगे हैं। देश भर में खर्च हुई कुल राशि का करीब 50% इन्हीं राज्यों में इस्तेमाल हुआ। जो इसके बेनिफिशरीज हैं, जिनको इसके बारे में नहीं मालूम, उन तक बात पहुंचाएंगे, उनको सिस्टम से जोड़ेंगे, क्वालिटी का इश्योर करेंगे, टाइमली पेमेंट्स को इश्योर करेंगे। अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम है, जल्दी होता है, और भी तेज़ी से करेंगे। और आगे चलने के साथ साथ ये हमारी बड़े कार्यक्रम की, जिसमें कि मिडिल क्लासेस और क्लासेस जुड़ेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी। सरकार लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दे रही है, ताकि वो बीमारी में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में लाभ उठा सकें। राष्ट्रीय अभियान के तहत आयुष्मान भारत के साथ ही पोषण अभियान और स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।